લાવો જીવન માં લાવો ફરી કદી ન મરે આવો જીવન માં લાવો ફરી કદી ન મરે આવો જીવન માં લાવો ફરી કદી ન મરે આવો જીવન માં લાવો ફરી કદી ન મરે વારે વારે માનવ કદી ન મરે વારે વારે માનવ દેહ કદી ન મરે વારે વારે માનવ દેહ કદી ન મરે વારે વારે માનવ દેહ કદી ન મરે બિરાજતા શ્રીનાથ જી યમુના જી મહાપ્રભુ જી કેવું આપણને આ પ્રિય છે ને ભજન ગાતા હોઈએ તોય પછી ગાઈને બાજુ ભૂલી જઈએ ઘણી વખત વૈષ્ણવ એવો એવો ગાતા હોય એક વાર તો સાંભળ્યું કે વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા તો શું કહી ગયા તને વાલી ભાવથી પ્રાર્થના કરે ઓ શ્રી
ભાઈ કોણ છે શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય સોને કી સડી હરે અમ્મા સહસ્ર શ્રેખા પુરુખ સહસ્રાક્ષ सहस्रपात सहोमिग शरवत स्मृतवा यतिष्ठ दशांगुलम्ब पर्वत आज्ञानि Yeah.
गोकुल गोदन पूजिए, गोकुल गोदन पूजिए, गिरिधर पाछे दूध धोरी को नावत
भामिनी मिलम श्री गोवर्धन पूजन बड़रन गोयागे गिरिधर बड़रन गोयागे गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवत बड़रन हरि बड़रन हरि बड़रन गो सखा मंडली आई कान जगावत चल रे जनाए यहाँ विविध श्रृंगार जो भूषण प्र
प्रफुल्लित भूर आनंद भजन भर के पीठ थाप सिर पे जब धावत तीन ग्वालन भजन भर दे के पीठ थाप सिर पे जब युग युग राज करो अयुग युग राज करो मन बाबत श्री गोवर्धन पूजन आवत युग युग राज करो मन बावन युग युग राज युग युग राज करो मन बावन युग युग राज करो मन बावन
आचार्य जी की, गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री विजय कुमार जी की, गोस्वामी श्री हरि राय जी महोदय श्री की, गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी महोदय श्री की, गोस्वामी श्री ब्रजाधीश जी लालन बाबा की, गोस्वामी श्री ब्रजाधीप जी लालन बाबा की। आपने तालियां नहीं बजाई, तालियां तो आप बजाते रहे, क्योंकि नारंगी में से निकलता है उसे। गोस्वामी ब्रजाधीप जी लालन बाबा विराजमान है आपका स्वागत करने के लिए। किशोर भाई अकबरी, किशोर भाई अकबरी, इन्होंने गाय का दान किया है यहाँ गौशाला। जिग्नेश भाई ने 51,000 रुपया जाके धन में शुभ मार्ग कारज खर्चो नहीं, और धिक्कार कहत है देव जी ने जो जन श्री वल्लभ कुल की शरण में नहीं। बोलो वल्लभाधीश की। छोटे रजनी भाई चांगेला, चांगेला बताया, पिटवाओगे क्या करोगे? गोकुलेश्वर जी लालन बाबा, गोकुलेश्वर जी विराज रहे ना लालन बाबा। चेतना बेन सतासिया, गोस्वामी प्रणाली का राजा विराजमान है उनका स्वागत। भावना बेन कोलाड़िया, आप नित्य गोशाला में सेवा देती हैं। भावना बेन, इसके बाद की ओर, और इसी क्रम में अब बड़ी श्रद्धा के साथ निवेदन करूंगा। कृष्णायाद भूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्लीरति ओ यथा प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी ऋषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संचय सायं कुञ्जालहस्ता सनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुदोतं राजज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायं निनासा पुटनीतकरं कर्णराजद्विमोक्तं वन्दे दोर्मिलिताक्षं व्रगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। अतएव विराजमान परम पूज्य ताजी बड़े दादाजी पितृचरण एवं दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तिरंजी गोकुल बाबा, आप सब वैष्णव जन, आज के गोवर्धन उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गौ मतलब गाय, गौवर्धन, गौ मतलब गाय और वर्धन मतलब गाय का वर्धन, अर्थात जिस लीला से गौ का वर्धन हो उस लीला का नाम गौवर्धन लीला। ठाकुर जी को गाय बहुत प्रिय है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं, गावो ममाग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो मेरे हृदय संतु गवा मध्य वसायम, अर्थात गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो,
गाय में गाय के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। एक बार की बात है, श्री आचार्य जी ने पूछी, बाबा आपको कहाँ अच्छो लगे? और श्री जी ने कही, मेरे को गाय अच्छी लगे। तो श्री ने साधु पांडे को बुलाया और कही, ये अंगूठी देकर श्री जी के लिए सुंदर सी गाय ले आओ। तो साधु पांडे ने कही, ये मेरे घर में इतनी सारी गाय हैं, वो आपकी तो हैं, जितनी चाहिए इतनी ले लो। तो श्री आचार्य जी ने कही, प्रभु ने मेरे को आज्ञा करी है। फिर साधु पांडे एक सुंदर सी गाय लाए हो और बहुत सारे वैष्णव ने दो गाय दी, चार गाय दी, ऐसे ही श्री जी के पास बहुत सारी गाय हो गई और श्री जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो ठाकुर जी को गाय बहुत प्रिय है। बोलो श्री को, अपने भी घर में ठाकुर जी को गाय को दूध धरायो करो, और दूध के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, गौशाला में से आपको जितना दूध चाहिए तो ले लो। और ठाकुर जी को दूध धराओ और गाय के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और गिरिराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। शिवल्लभादी की जय, गोवर्धन नाथ की जय। बड़ी सुंदर रसमय वाणी से श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, गौ माता की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोवम 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 न संशय। यत्स्यानुकंप वशतः सुदुर्लभम मानुष्यमाप्तम परमस्य पुंसः, सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। आज बड़ा आनंद का विषय है कि हम यह मंगल उत्सव पे एकत्रित हुए हैं। अत्रैव विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय ताजी एवं बड़े दादाजी पितृचरण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। चिरायुष्मान स्वियान बाबा, गोकुल बाबा और आप सब वैष्णव वृंद, पूर्व में स्वियान बाबा ने बड़ा ही गोवर्धन का बड़ा ही सुंदर अर्थ प्रकट किया कि गो यानी गाय और वर्धन यानी गाय का संवर्धन। गो के कई सारे बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे गो यानी इंद्रिय, गो यानी ब्राह्मण, गो यानी ज्ञान, गो यानी वेद, गो यानी भक्ति। गो यानी भक्ति और वर्धन यानी भक्ति का वर्धन, भक्ति का वर्धन करने वाली यह लीला गोवर्धन लीला। भक्ति का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। जिस प्रकार से भक्ति का साक्षात स्वरूप गौ माता भी है, उसी प्रकार से भक्ति का साक्षात स्वरूप गिरिराज जी भी हैं। श्री गिरिराज जी के तीन स्वरूप बताए गए हैं। पहला श्री हरिदास स्वरूप,
अर्थात हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी हैं। जब श्री ठाकुर जी गौचारण के लिए पधारते थे तब आप श्री को प्यास लगती थी तो गिरिराज जी जल बहाते थे, आप श्री को धूप के मारे छाया चाहिए होती थी तो अपनी वृक्षावली में से छाया समर्पित करते हैं, आप श्री को भूख लगी थी है तो सुंदर सुंदर फल प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार में से श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ। दूसरा स्वरूप बताया गया है स्वयं श्री ठाकुर जी का स्वरूप, कि जब सारे ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी को अन्नकूट भोग धराया तब श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही धराया और श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही आरोगा, अपनी सहस्त्र भुजा धारण करके आरोगा। यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता, स्वयं ही अन्नकूट भोग धराया और स्वयं ही सहस्त्र भुजाओं धारण करके भोग आरोगा। तीसरा स्वरूप बताया है श्री स्वामिनी जी स्वरूप, कि जब श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया तब भगवदीय कह रहे हैं कि कैसे दर्शन हो रहे हैं कि कभी वाम हस्त पे धारण किया, कभी दक्षिण भुजा पे धारण किया तो कभी वाम भुजा पे, तो मानो कि श्री गिरिराज जी श्री ठाकुर जी के भुजाओं पे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं भगवदियों को। श्री गोकुलेश प्रभु श्री गोकुलनाथ जी ने भी यह व्रज परिकर व्रज मंडल का बड़ा ही अलौकिक भाव प्रकट किया। एक बार की बात है, श्री गोकुलनाथ जी विराज रहे थे, वैष्णव भी बैठे थे, सत्संग चल रहा था, तो आप श्री ने पूछी कि बताओ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सो है, तो सब वैष्णव ने कही कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो यह ब्रज तीर्थ है। तो श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी, गलत, तुम ब्रज को तीर्थ मानो, तीर्थन को राजा तो प्रयाग है, ब्रज तो तीर्थ को भी तीर्थ है, तीर्थ को पावन करवे वालो है। आप श्री ने दूसरो प्रश्न कियो कि बताओ सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, तो वैष्णव ने कही कि सर्वश्रेष्ठ नदी तो यमुना जी है, तो श्री गोकुलनाथ जी ने कही कि गलत, सर्वश्रेष्ठ नदी तो श्री गंगा है, यमुना जी तो साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रिया है। श्री आचार्य जी क्या कर रहे हैं, समश्रम जनानु भी सकल गात्र जयी संगम। आप श्री ने फिर तीसरा प्रश्न कियो कि बताओ सर्वश्रेष्ठ पर्वत कौन सो है, तो सारे वैष्णव ने कही कि जराज सर्वश्रेष्ठ पर्वत तो गिरिराज पर्वत है, तो गोकुलनाथ जी ने कही कि गलत, तुम गिरिराज जी को पर्वत मानो हो, सर्वश्रेष्ठ पर्वत तो सुमेरु है, श्री गिरिराज जी तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से श्री गोकुलनाथ जी ने यह व्रज परिकर व्रज मंडल को बड़ो ही अलौकिक सुंदर भाव प्रकट कियो है। तो बस आज हम यहाँ पे श्री रसिया ठाकुर जी गौ माता श्री गिरिराज जी के आश्रय में बैठे हैं, तो यही मंगल भावना के साथ कि हम हमेशा गौ माता श्री ठाकुर जी गिरिराज जी के आश्रय में रहें, और यही मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को समर्पित करूँ। वल्लभाधीश की जय।